हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो चैप्टर होने वाला है, मतलब कि समरी होने वाला है, उसका हम लोग बताने वाले हैं आज आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, जो क्लास 12 का आप लोग का बिहार बोर्ड का है, BSEB का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को, इसका मतलब हुआ आइडिया जिससे मानव की रक्षा हो या मदद हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड में बर्टन रसल जी के द्वारा क्या है। पहले इसके बारे में यहाँ जानते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे इनके बारे में, हैंड रिटेन समरी के बारे में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वीडियो कहता है इसमें, तो सबसे पहले बर्टन अर्थल विलियम रसेल, इनका फुल नेम है। ओके, 1872 में इनका बर्थ हुआ था, 1970 में इनका डेथ हुआ था, और ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट। देखिए, इसमें आप जोड़ सकते हो और मैंने जो समरी लिखा है उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, उसको लॉन्ग भी बना सकते हो। ओके, तो मेन पॉइंट मैंने उस समरी में बताया है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, पेसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 12th सेंचुरी। ओके, वो आज ए प्रोलिफिक राइटर, मतलब उस समय के 12th सेंचुरी के बहुत ही राइटर थे, पॉपुलरिटी में थे। ही वॉज ऑल्सो ए कॉमेंटेटर एज अ लार्ज वराइटी ऑफ टॉपिक्स, और बहुत सारे टॉपिक्स पे क्या थे, बहुत कमेंटेटर भी थे। हीज कॉमेंट ऑन मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, सब के बारे में उनके कॉमेंट है। सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस मार्क्स, बुद्धा एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक आर पीथी फुल ऑफ कॉडर। 1950 में रसेल जो है अवार्ड किए गए क्या चीज़ से, नोबेल प्राइज से। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछेगा कि आपका 1950 में कौन से लेखक जो थे वो हमारे नोबेल पर, तो बर्टन रसेल जी ने, ठीक है। और इनके महत्वपूर्ण जो कार्य सब हैं यहाँ पर देख सकते हैं, वर्क जो इंक्लूड किए, हिस्ट्री ऑफ वेजर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल हैज मैन, ठीक है, फैक्ट, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रीड्स टू फ्रीडम, इन फ्रेज ऑफ आइडियलिस्ट, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये सब इनके लेखक थे। तो ई इसको आप वहाँ जुड़िएगा कि हीज वर्क्स इंक्लूड, इसमें आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हीज वर्क्स इंक्लूड, हीज वर्क्स इंक्लूड, और जो जो नाम है वो आप याद कर लीजिएगा, ऐड कर सकते हैं, और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा समरी, है ना। तो आप बहुत छोटा दिए क्योंकि आपको याद हो जाए। आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा है, तो बॉय बर्टन रसल जी के द्वारा। आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड हैज़ रिटेन बाय बर्टन रसल इन दिस इज ए रसल हैज़ डिस्कवर्ड अबाउट मैनी थिंग्स, इवोल्यूशन ऑफ मैन, हाउ फायर वॉज डिस्कवर्ड एंड हाउ पीपुल स्टार्टेड लिविंग लाइफ ए सिविलाइज, ये सब क्या है, ये डिस्कस्ड किए हैं इनके बारे में इजी में। बर्टन रसल जी के द्वारा जो लिखा गया है आइडियाज़ डैट हेल्प मैनकाइंड, ये जो है क्या है, तो ईजी है, ठीक है। एट अनदर प्लेस रसन टॉक्स अबाउट हीज क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमन बींग, देखिए क्रूरता जो होता है मानव का, उसके बारे में दर्शाया गया है। डैट इज़ नॉट वर्क एक्सेप्टिंग, ही सेज दैट अ पर्सन हैज़ नो अफेक्शन विद द बर्ड्स एनिमल्स के जो है उनके विरुद्ध, मतलब क्रूरता है इस टाइप का, नो अफेक्शन विद द बर्ड और प्लानट। ही सेज डैट ए पर्सन हैज़ बिकम सो ग्रीडी इन हिज वे, और इस टाइप के क्रूरता से जो पर्सन जो होते हैं इस वे से रहते हैं, डैट ही डज नॉट इवन थिंक फॉर ए मोमेंट डैट इट वो वुड हार्म अदर। ही सेज डैट पीपुल रन आफ्टर नंबर ऑफ गेट्स प्लीजर। ओके, ही सेज इट्स नाइदर द नंबर नॉट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इट डैट मेक वन ग्लोरी, ये आपका फुल समरी है, तो इसे आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। मेन कहा गया है कि इवोल्यूशन जो मानव का है, वो मानव का रक्षा, आइडियाज जिससे मानव का रक्षा हो, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन, और कैसे फायर आग खोजा गया, और कैसे पीपल जो है रहने लगे, निवास करने लगे, रेसिडेंस होने लगे, सिविलाइज पर्सन कैसे हुए, तो ये सब इस मतलब समरी बताया गया है, तो क्योंकि समरी है तो सब इसमें बताया गया। ओके, और इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, डेथ कब हुआ, बर्थ कब हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।